आज आई एम वेरी डिलाइटेड क्योंकि हमारे साथ आज हैं तरुण शर्मा जिन्होंने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 19 सेकंड। डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्लेसमेंट्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट करियर, बिकॉज़ वंस यू गेट आईआईटी टैग, आईएससी टैग, यू डोंट हैव टू लुक बैक। सो आई यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट्स कि देखो बेटा, मेनी ऑफ यू माइट हैव ट्राइड आईआईटी जेई, हो सकता है आपने भी तरुण जेई ट्राई किया हो, yes, पता जी है। तो ये yes. बच्चों का ड्रीम रहता है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करें, लेकिन नॉट ऑल पीपल कुड सक्सीड। तो उनके लिए गेट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, गेट एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू फिर से आईआईटी में वो जा सकते हैं और काफी लेस कंपटीशन देन इन कंपैरिजन टू जेई। हेलो गेट एस्पिरेंट्स, दिस इज डॉक्टर हलील खान वेलकमिंग यू टू एन एकेडमिक प्लेटफॉर्म। आज आई एम वेरी डिलाइटेड क्योंकि हमारे साथ आज हैं तरुण शर्मा जिन्होंने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 19 सेकंड। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम जानेंगे तरुण शर्मा से कि उन्होंने उनकी गेट जर्नी कैसी रही और उन्होंने गेट रैंक 19 लाने के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया, सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले तरुण, कंग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम माईसेल्फ एंड माय टीम, अंकित डोयला, पंकज शर्मा एंड देन सतीश यादव, विजय एंड चंदन मल्लेशम, एवरीबडी जिन्होंने आप जिन्होंने जिनसे आपने पढ़ा था गेट 2024, आपको काफी बधाई हो, आपके परिवार को काफी बधाई हो इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तरुण आप एक ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां से हो, कहां से आपने पढ़ा इंजीनियरिंग एंड अदर बेस्ड डिटेल्स। Yes, sir. First of all, thank you, sir. And it's all because of your guidance and mentorship that I am here for interview. And I am a final year student studying at Kurukshetra University, UIT Kurukshetra University. And this was my second attempt. And this time I got All India Rank 19. My previous attempt was when I was in third year. And at that time I got 872 rank. And in my fourth year I studied from your team. Okay. Which state are you from, Tarun? कौन से स्टेट से हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से, वेरी गुड। तो बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि कई बच्चे इस साल मैं देख रहा हूँ मेरी अपनी गेट जर्नी में, जनरली जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, जो एक साल का गैप लेकर गेट दिखते हैं, उनके अक्सर हैं। लेकिन इस बार मैंने और किया, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 एंड मेनी अदर टॉप रैंक्स, फाइनल ईयर के बच्चे काफी अच्छा इंटरेस्टिंग परफॉर्म किए हैं। उसी तरह तरुण का भी वही केस है कि उन्होंने अपने फाइनल ईयर में रहते हुए ऑल इंडिया 19 रैंक सिक्योर किया है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि कॉलेज को मेंटेन करते हुए, सेमेस्टर के एग्जाम्स और सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स एंड सेमिनार्स को मेंटेन करते हुए गेट का प्रिपेयर करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आई डू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये प्रेरणा है, एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जो गेट एस्पिरेंट्स है 2024 और 2025 और 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है कि जब तरुण और उनके जैसे बच्चे कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में रहकर गेट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात। तो तरुण बेटा बताइए कि हाउ वॉज योर गेट जर्नी, आपने कब से पढ़ना, आपके पहले सबसे पहले माइंड में कब आया गेट मुझे लिखना है और क्यों आया और आपने कैसे प्रिपेयर किया, इसके बारे में थोड़ा आप। So when I first entered in the college, I never thought of that I will appear GATE and do masters. But from first year itself, I started my coding journey and decided to sit for placements and all this. But when I came in third year, then the news of recession and all these things were appearing in the social media and news channels. So I was kind of afraid of my future. So at that time, I decided to write GATE and invest another 2 years for my life so that I can lead better future. So at that time only, I decided for GATE. And from mid-July 2022, I started preparing for GATE. And in 6 months, I invested and got 872 rank and then prepared another 1 year to get this rank. वेरी गुड। सो आपने सेकेंड ईयर में रहे जब ही स्टार्ट किए थे गेट प्रिपरेशन? यस सर। ओके, और सेकेंड ईयर का प्रिपेयर किया 870, दैट इज आल्सो वेरी गुड रैंक ड्यूरिंग थर्ड ईयर।
उसके बाद फाइनल ईयर में तो बिल्कुल सीधा टारगेट 19, तो बहुत बड़ी बात है। तो प्लेसमेंट्स आपने कहा, प्लेसमेंट्स के लिए भी आप तैयारी कर रहे थे कोडिंग के लिए, तो क्या कोई प्लेसमेंट भी मिला है आपको ड्यूरिंग योर फाइनल ईयर? सर आई गेव मैनी इंटरव्यूज एंड most of the interviews were rejected. I was rejected during the HR round, and yes sir, I got one placement that was not very great, but yeah, I will settle for masters now. So now definitely you don't have to worry about placements, you don't have to worry about career, because once you get IIT tag, IISc tag, you don't have to look back. आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, और ना ही अब आपको placements के बारे में ज़्यादा सोचना है. Once you get IIT tag or IISc tag, I'm very sure any dream company you can get, that is the best thing you have done, and that is a great motivation certainly for those who are there in third years and second years now. You should take motivation from Tarun and strike for this, because generally jab main college mein bhi padhata hu aur gate batches mein padhata hu, so I used to tell the students ki dekho beta, many of you might have tried IIT JEE, ho sakta hai aapne bhi Tarun JEE try kiya ho, yes, pata nahi hai. तो ये बच्चों का ड्रीम रहता है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करें, लेकिन नॉट ऑल पीपल कुड सक्सीड. तो उनके लिए गेट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, गेट एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू फिर से आईआईटी में वो जा सकते हैं, और काफी लेस कंपटीशन देन इन कंपैरिजन टू जेई वो एंट्री ले सकते हैं आईआईटी में. बहुत अच्छी चीज है. मेरा भी अपना ओन परसेप्शन यही है गेट इंजीनियरिंग एस्पिरेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि यू शुड स्ट्राइव फॉर एमटेक, बिकॉज doing MTech particularly from IIT and IISc will have a different perception of life and career altogether. तो बहुत अच्छा किया आपने गेट का डिसीजन लिया, और बिल्कुल आप IIT में जाओगे और या IISc में जाओगे, ये अभी हम पूछेंगे आपको. तो आप ये बताइए कि आपका जो प्रिपरेशन रहा विथ रिगार्ड टू थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, जो फर्स्ट टाइम आप गेट लिखे और सेकेंड टाइम गेट लिखने में जो प्रिपरेशन रहा आपका, वो क्या डिफरेंट था, डिफरेंस क्या था? जब मैं प्रिपेयर करता था तो मेरे को सब कुछ अच्छे से सामने आता था उस टाइम पर, तो सभी क्वेश्चंस भी हो जाते थे थ्योरी के भी और न्यूमेरिकल्स भी, बट आफ्टर सम टाइम जब मैं क्वेश्चन करने बैठता था तो चीज़ें माइंड से स्लिप होने लगती थी, मतलब रिवीजन का लैग था एंड टेस्ट सीरीज भी थोड़ी कम लगाई थी. इस बार उसको रेक्टिफाई किया है. तो फाइनल मतलब जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था आपका गेट 2024 का, उसका एग्जैक्टली आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही कि आपने कितने बार रिवीजन किया, पहले सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट किए या फिर आपने एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया फिर उसके बाद इमीडिएटली टेस्ट सीरीज दिए, मॉक टेस्ट किए, कैसा किस तरीके से आपने फाइनल प्रिपरेशन किया? सर रिवीजन में साथ के साथ करते जाता था एंड आई यूज्ड टू डू रिवीजन 3 times एंड PYQ 3 times एंड द DPP प्रोवाइडेड बाय यू एट 2 times एंड दैट्स इट. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस आई अपीयर्ड फॉर 2 test series एंड दैट वाज माय स्ट्रेंथ. PYQs कितने बार आपने सॉल्व किए? 3 times. 3 times, वेरी गुड. तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एवरी टाइम बढ़ता गया फॉर एवरी आइटरेशन? यस सर. यस यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. और जो लास्ट में रिवीजन जो था आपका, लास्ट शॉर्ट नोट्स के ऊपर रिवाइज किए या लॉन्ग नोट्स के ऊपर, आपने कैसे रिवाइज किया? सर मेरी रिवीजन की स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं रिवीजन करने में थोड़ा सा बोर हो जाता था अगर मैं अपने लॉन्ग नोट से रिवाइज करता था, तो मैं क्या करता था कि जैसे क्लास में जो भी पढ़ाया गया उसको शाम को जो है शॉर्ट नोट्स बना लेता था उनके, फिर जब चैप्टर कंप्लीट होता था फिर से रिवाइज करता था, तो उस जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनसे रिवाइज करता था, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बना लेता था, फिर जब सिलेबस ही कंप्लीट हो गया फिर से उसका शॉर्ट नोट बना लिया, तो मेरे शॉर्ट नोट्स भी बनते चले जा रहे थे और मैं रिवीजन में बोर भी नहीं होता था इस तरीके से. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ये जब आप गेट प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, तो आपको कभी लगा कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट इजी है, या फिर एवरी सब्जेक्ट वाज ऑफ सेम कॉम्पिटेंसी लेवल? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था. कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था एंड यस सर, कंप्यूटर नेटवर्क ही था जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता था. तो फिर अंकित डोला का सब्जेक्ट, तो जब अंकित डोला के लेक्चर्स आप सुने तो फिर कैसा लगा नेटवर्क? ठीक है, यस सर, फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया. हाउ अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? हां, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम
ये सब बाकी सब तो लॉजिकल हो गया, सब आसान आसान थे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। यस यस और एक भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं जनरली हर गेट जो अच्छा रैंक लाते हैं उनको मैं पूछता हूँ कि कभी ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी आपको कभी ऐसा लगा कि आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड, आई एम गेटिंग एंग्जियस, आई एम गेटिंग नर्वस, क्या कभी कोई ऐसा आपके साथ भी हुआ? एंड देन इफ यस, आपने इसको कैसे ओवरकम किया? क्योंकि काफी गेट एस्पिरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं, ये दे ट्राई टू इंटीमेट टू मी आल्सो, दे ट्राई टू कन्वे टू मी सर नर्वसनेस हो रहा है, आई एम फीलिंग डाउन। तो क्या आप भी हैव यू गॉन थ्रू दिस फेज एनी टाइम? सो फाइनल ईयर मतलब जब मैंने फाइनल अभी लास्ट वाला अटेम्प्ट लिया तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी इतनी रैंक थी कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था, राइट? यस सर, एंड रैंक भी इतनी थी कि किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में तो हो ही जाता। एंड जब थर्ड ईयर में था तब टाइम भी कम था मेरे पास, एंड फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था सभी गेट सब्जेक्ट्स को, तो थोड़ा नर्वसनेस तो थी, पर जब मैं टेस्ट सीरीज लगाते जा रहा था तो फाइनल टेस्ट सीरीज लगा दी तो थोड़ा सा मोटिवेशन आया था कि हाँ कुछ तो हो सकता है। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज में ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ था, जब मैंने फर्स्ट टेस्ट सीरीज लगाई थी तो मेरे 25 मार्क्स आ पाए थे। सुनो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, जो जिन्होंने जनरली मेनी पीपल ट्राई टू सेल से द सेम थिंग, सर आई एम गेटिंग वेरी लो मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। तो देखिएगा तरुण को भी जो ऑल इंडिया रैंक 19 है, इन्होंने भी कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि ही यूज्ड टू गेट 25 मार्क्स, देन ग्रेजुअली आपने इंप्रूव किया, राइट? यस सर। तो कैसा इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपकी कैसी रही टेस्ट सीरीज के मार्क्स? तो मैं दो टेस्ट सीरीज लगाई थी एंड एक टेस्ट सीरीज में तो मेरे मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स जो रहे थे वो 52-62 के आसपास रहे थे, एंड जो दूसरे टेस्ट सीरीज थे उसमें 82 के लगभग रहे थे। देखिए आप, सो देयरफॉर नथिंग टू वरी अबाउट, इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, सो दोज़ हु आर प्रिपेयरिंग प्लीज टेक मेक ए नोट ऑफ दिस व्हाट तरुण इज सेइंग, कि आपने जब टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो यू शुड नॉट गेट डीमोरलाइज्ड, यू शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, ये हर एक के साथ होता है। अल्टीमेटली यू हैव टू सी के हाउ यू आर ग्रेजुअली मेकिंग एन इंप्रूवमेंट, राइट? डेल्टा एक्स इंप्रूवमेंट होना चाहिए एवरी टाइम, दैट यू हैव। तरुण, हाउ डू यू यूज टू बेसिकली अवॉइड मेकिंग सिली मिस्टेक्स? ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है गेट एस्पिरेंट्स लिखते हैं कि सिली मिस्टेक्स कमिट करते हैं, तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या थी कि हाउ टू ओवरकम सिली मिस्टेक्स? यस सर, सर जब सिली मिस्टेक्स तो सर टेस्ट सीरीज से ही जा सकती है, मतलब जब टेस्ट सीरीज होती थी तो उनको मैं ऑल्टरनेट डेज पर टेस्ट सीरीज देता था कि मतलब टेस्ट सीरीज दी उसके अगले दिन उसे एनालाइज किया फिर उसका रिवीजन किया, मतलब जो भी सिली मिस्टेक्स होती थी वो पता चलते चली जाती थी, उनको फिर रेक्टिफाई करना, एंड इसी तरह से सिली मिस्टेक्स दूर हो सकती है, सिली मिस्टेक्स सभी से होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे का पूछेंगे तरुण आपसे कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, आपके मन में क्या चल रहा है कि आप एमटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहोगे या प्लान है कि डेटा साइंस, क्योंकि गेट कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन इन बोथ एआई स्ट्रीम एज वेल एज कंप्यूटर साइंस या एमएल जो है, तो आपके मन में क्या चल रहा है अभी फिलहाल? सो आई विल डू, टिल नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एआई। मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज जो चल रहे हैं AI ML, बहुत अच्छी चीज है। और मन में क्या है कि कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का प्लान है, क्योंकि 19 रैंक आई एम वेरी श्योर, डैम श्योर, 100% श्योर यू कैन गेट इनटू एनी IIT इंक्लूडिंग IIS, तो अभी आपके माइंड में क्या है प्लान? आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर IISc। एनी स्पेसिफिक रीजन? सर ड्यू टू रिसर्च एनवायरनमेंट एंड अगर आपका माइंड में रिसर्च है, रिसर्च करने का है, तो IISc इज द बेस्ट चॉइस अनडाउटेडली, तो बहुत अच्छा है, और वहाँ पर पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के ऊपर तो काफ़ी अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट भी है, इकोसिस्टम भी है, आप जरूर। तो लास्ट में तरुण आपसे ये पूछूंगा कि आपका फाइनल मैसेज आपके जूनियर्स जो है गेट एस्पिरेंट जो 2025-26 के है उनके लिए क्या रहेगा, आप क्या कहना चाहोगे? एक ब्रीफली कुछ आप अपना फाइनल मैसेज दे दीजिए उनको आपकी सक्सेस स्टोरी के बेसिस पर। यस सर, सर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिपेयर तो सर सभी करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं, पर होता क्या है कि स्ट्रेटेजी की थोड़ी कमी रह जाती है, मतलब हम लोग ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मतलब हम आगे का पढ़ते चले जाते हैं पीछे का भूलते चले जाते हैं, तो उसके लिए रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर टेस्ट सीरीज आती है, तो टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि
उस एनवायरनमेंट में बैठने का एंड सिली मिस्टेक्स जो आपने बात कही कि अवॉइड करने का, तो वही एक तरीका मेरे को लगा सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने का कि हम टेस्ट सीरीज दें और उससे फिर जो एनालाइज करें उसको और फिर जो हमारी सिली मिस्टेक्स वगैरह या जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करें। और टेस्ट सीरीज भी एक तरीका हो सकता है रिविजन हमारा अच्छे से करने का। बिल्कुल सही बात है, तरुण ने बिल्कुल सही कहा। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मैंने जो पिक किए हैं तरुण के, अभी जो लास्ट पे थे वो है बेसिकली रिवीजन स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद अवॉइडिंग सिली मिस्टेक्स, फिर उसके बाद PYQs है, एंड देन बेसिकली मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन। तब आप डेफिनेटली यू कैन क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ गेटिंग गुड रैंक। तो तरुण, सभी फैकल्टी मेंबर्स आर यू हैप्पी विद होम यू हैव स्टडीड, सबका परफॉर्मेंस कैसे रहा, यस सर, या कोई सजेशन है किसी के बारे में? सर दिस रैंक वाज इज डेडिकेटेड टू यू ऑल ओनली सर। थैंक यू तरुण। सो तरुण बेसिकली इज आवर स्टूडेंट, आवर टीम, माइसेल्फ एज आई सेड अर्लियर, माइसेल्फ अंकित एंड देन पंकज, मल्लेशम, चंदन, सतीश एंड राहुल, विजय अग्रवाल एक्सेट्रा, ही हैज बेसिकली गॉट ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल दीस फैकल्टी मेंबर्स। So, hum, on behalf of my team, I am giving thanks to Tarun for sharing his time and speaking few encouraging words for the GATE aspirants of 2025. And on behalf of the team, I wish Tarun and his family best wishes. Aur aage apne future mein, main ye chahunga ki aap acha naam roshan karo and you serve for your family and for the country. Theek hai na, Tarun? Thank you so much. Yes. Thanks for sharing your time.